2024 लोकसभा चुनाव करीब है और उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने लोक लुभावन योजनाओं को लेकर नोटिस जारी किया है और इस पर जवाब मांगा गया है केंद्र से, एमपी से, राजस्थान से। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है और लोक लुभावन योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट का ये नोटिस है और इस पर जवाब तलब किया गया है। चुनाव से पहले लोक लुभावन योजनाओं को लेकर ये नोटिस, सीधा रुख करेंगे संजय शर्मा का। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजय, किस तरह से ये नोटिस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट से, क्या कुछ कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ्रीबीज के खिलाफ पहले भी याचिकाएं दायर है तो इस याचिका को भी उसके साथ ही कनेक्ट कर दिया गया है। इसमें नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार से, 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। इसमें केंद्र सरकार के साथ चुनावी राज्य भी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान सरकार को भी नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग भी इसमें है, निर्वाचन आयोग भी कोर्ट को ये बताएगा कि फ्री बीज को लेकर उसने क्या कदम उठाए हैं और किस तरह की सख्ती बरती जा रही है। क्योंकि कोर्ट ने यह साफ कहा है, याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में यह बताया है कि चुनावों से ठीक 6 महीने पहले मुफ्त की चीजें जैसे टैबलेट, कहीं रंगीन टेलीविजन दे रहे हैं, कहीं वॉशिंग मशीन दे रहे हैं, कहीं सोने चांदी के गहने दिए जा रहे हैं, तो इसे जनहित की योजनाओं का नाम दे दिया जाता है और इसे चुनाव से पहले ठीक बांटा जाता है, जो किसी भी तरह से उचित नहीं है। इसे फ्री बीज की श्रेणी में डाला जाए। कोर्ट ने 4 हफ्ते में जवाब मांगा। अब अगले महीने जब इस मामले की सुनवाई होगी तब जाकर ये खुलासा होगा कि सरकारों का इस रूप क्या है और निर्वाचन आयोग ने कौन से एहतियाती उपाय किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए आपका संजय।